नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख की हुई घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में 7 अहम एजेंडों पर मुहर तो लगाई ही गई, साथ ही साथ इस साल के विधानमंडल बजट सत्र की तारीख की भी घोषणा कर दी गई, जिसके तहत अब ये बजट सत्र 24 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलाया जाएगा। ज्ञात हो, आयोजित होने वाले इस विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण से होगी, जिसके पश्चात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य का बजट पेश करेंगे। डीएलएड कोर्स वालों की जल्द की जाएगी नियुक्ति। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड की पढ़ाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों के हित में अपना फैसला सुनाया था, जिसके पश्चात बिहार सरकार ने 18 महीने की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी 2.50 लाख शिक्षकों की पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति में 30 दिन के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेट 2019 पास कैंडिडेट्स के 110 पदों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की स्थायी सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए भारत के सभी राज्यों से पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 60% अंकों के या समकक्ष CGPA के साथ किसी भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग के संबंधित प्रासंगिक विषय में पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित विषयों में गेट 2019 में पास होना भी अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सिपाही बहाली परीक्षा की तारीख का सस्पेंस हुआ खत्म। 11,880 पदों के लिए होने वाली सिपाही बहाली की परीक्षा के स्थगित होने के बाद परीक्षा के नई तारीख की घोषणा हो गई है। खबरों की माने तो गृह विभाग के सभी अधिकारियों के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात अब यह परीक्षा 8 मार्च को शेड्यूल की जा सकती है। ज्ञात हो, सिपाही बहाली की दूसरी पाली की परीक्षा 20 जनवरी को होने वाली थी, मगर किसी कारणवश परीक्षा से कुछ दिनों पहले ही इसे स्थगित करने की घोषणा की गई थी। सरकारी शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी। बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों के पद पर कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी शिक्षकों के वेतन में इजाफा करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, यह ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैसे शिक्षकों के लिए किया है जिनकी इनकम 25,000 से ज्यादा है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को सरकार के इस फैसले का पालन करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। रग्बी खिलाड़ी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित की गई रग्बी प्लेयर स्वीटी कुमारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीटी कुमारी को उनके अब तक के उपलब्धियों के लिए बधाई दी और आने वाले समय के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले समय में स्वीटी की हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। पटना यूनिवर्सिटी में एमएड की पढ़ाई रुकी। पटना यूनिवर्सिटी से एमएड की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। एनसीटीई ने पटना यूनिवर्सिटी में चल रही एमएड की पढ़ाई पर रोक लगा दी है और साथ ही बिहार राज्य के 5 अन्य कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। एनसीटीई की माने तो पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग की मान्यता रद्द करने का मुख्य कारण साल 2014 के रेगुलेशन के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना यूनिवर्सिटी में साल 2020-21 सत्र में होने वाले नामांकन को नहीं लेने का आदेश सुनाया गया है। पटना के पुराने म्यूजियम का बदलेगा कायाकल्प। बिहार सरकार को पटना के सबसे पुराने म्यूजियम के मरम्मत का ख्याल आ ही गया। बिहार के नए म्यूजियम के बनने के बाद से इस पुराने म्यूजियम को सरकार ने अनदेखा कर दिया था, मगर अब जल्द ही इस पुराने म्यूजियम का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार ने कुल मिलाकर 158 करोड़ रुपए खर्च करने का मन बना लिया है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगाई गई है। मधु और अंजलि ने खेल में बढ़ाया बिहार का मान। मुजफ्फरपुर जिले के निवासी मधु और अंजलि पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में अपने जिले का नाम रोशन कर रही है। डीएवी मालीघाट की 9वीं कक्षा की छात्रा मधु ने सीबीएसई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं डीएवी मालीघाट की 10वीं की छात्रा अंजलि ने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले और स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है। फिल्म महोत्सव में मधुबनी को भी मिलेगी जगह। मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, सुजनी कला, बांस कला समेत अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके मधुबनी को अब फिल्म महोत्सव के क्षेत्र में लोहा मनवाने का मौका मिलेगा, जिसके तहत जिला प्रशासन ने जिले के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा मधुबनी फिल्म सोसाइटी की स्थापना का निर्देश जारी किया है, जिसका कार्यालय नगर भवन मधुबनी में स्थापित करवाया जाएगा। ज्ञात हो, नवनिर्मित इस फिल्म सोसाइटी का निबंधन रजिस्ट्रेशन के तहत करवाया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे दिनेश भामर की। भारत के प्रख्यात हिंदी और भोजपुरी कवियों में गिने जाने वाले भामर का जन्म बिहार के चंपारण जिले में 1939 में हुआ था। दिनेश भामर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई तक का जीवन बिहार में गुजारा था, जिसके पश्चात उन्होंने बेतिया के MJK कॉलेज में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया भी था। इतना ही नहीं, दिनेश भामर विभिन्न कवि सम्मेलन का भी हिस्सा बने। इतना ही नहीं, हरिवंश राय बच्चन ने भी इनकी कविताओं की खूब प्रशंसा की थी। दिनेश को उनकी कविताओं के लिए गोपाल सिंह नेपाली सम्मान, बाजवी अदब सम्मान समेत कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है।
पटना नगर निगम के सफाईकर्मी लौटे अपने काम पर। पिछले दो दिनों से सड़क पर अपनी मांग को लेकर उतरे नगर निगम के सफाईकर्मी ने अपने द्वारा बुलाए गए बंद को स्थगित कर दिया है। खबरों की माने तो इन सभी सफाईकर्मियों ने नगर आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद यह फैसला लिया है, जिसके बाद से पटना में सफाई व्यवस्था वापस से पटरी पर आ गई है। आपको बता दें, नगर निगम के लगभग 5,000 सफाईकर्मी बकाए वेतन की मांग सहित 21 सूत्री मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे। कोसी में होगी ग्रीन गोल्ड की खेती। बिहार के कोसी क्षेत्र में ग्रीन गोल्ड नाम से प्रसिद्ध बांस की खेती का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वन प्रमंडल सहरसा ने पूरी तैयारी शुरू कर ली है। इतना ही नहीं, प्रथम चरण में बीज लगाने के संदर्भ में नर्सरी से मिट्टी भराई का काम भी पूरा कर लिया गया है। ज्ञात हो, पहले चरण में की जाने वाली राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत सहरसा बांस पौधाशाला ने 16,000 पौधा तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 26 जनवरी तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में इस बार ठंड का असर कई दिनों तक देखने को मिला और यह सिलसिला आने वाली 26 तारीख तक यूं ही जारी भी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मौसम का असर आने वाली 26 तारीख तक कुछ यूं ही बना रहेगा, यानी कि यह साफ है कि भी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसके तहत सुबह के समय में कोहरे का असर, जबकि दिन ढलते ढलते धूप, तो वहीं रात में दोबारा ठंड का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहारी लड़के से शादी कर बिहार में सेटल होना चाहती है कंगना। आपको बता दें, एक अखबार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने अभिनेत्री कंगना रनौत पटना पहुंची थी, जहां पर उनकी शादी के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए यहां पर स्वयंवर रखवाइए, अगर कोई अच्छा बिहारी लड़का मिलेगा तो मैं यहीं पर सेटल हो जाऊंगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कंगना रविकिशन द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब में ये सब कह रहे थे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में आते ही कंगना ने ज्ञान भवन में उपस्थित सभी लोगों से बिहारी अंदाज में यह भी पूछा कि हाल बा पटना, जिसके जवाब में लोगों ने भी बड़ी प्रसन्नता से कहा सब ठीक बा। दिल्ली में बुरारी सीट पर जदयू और राजद के बीच दिखेगा मुकाबला। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां इस बार बिहार की पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। इसी क्रम में इस बार बिहारी आबादी बहुल क्षेत्र बुरारी में जदयू और राजद के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में बिहार के विपक्षी दल दिल्ली में भी आमने सामने होंगे। इतना ही नहीं, बुरारी विधानसभा सीट पर चुनावी मुद्दा भी बिहार का ही होगा। अमित शाह ने प्रशांत किशोर को किया चैलेंज। सीएए पर एकजुट होने के बाद एनआरसी के मुद्दे पर अलग थलग पड़ी भाजपा और जदयू आए दिन एनआरसी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं। इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को एनआरसी के समर्थन का चैलेंज दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर प्रशांत किशोर एनआरसी के खिलाफ बोलने वालों की परवाह नहीं करते हैं तो वो खुद क्यों नहीं आगे आकर इसका समर्थन करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने एनआरसी के मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। जदयू नेताओं की ट्रेनिंग का सिलसिला हुआ शुरू। इस चुनावी साल में सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जदयू ने भी चुनाव से पहले अपनी तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले सभी नेताओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ कल से यानी कि बुधवार से राजगीर में जदयू के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत जदयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने की। चुनाव से पहले सीटों की संख्या की लगने लगी बोली। बिहार विधानसभा चुनाव आने में अभी समय है, मगर राजनीतिक गलियारे में चहल पहल का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच लगातार पोस्टर और ट्विटर पर जारी बयानबाजियों के बीच दावों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर यह दावा किया है कि इस चुनाव में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी, जिसके जवाब में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चाहे जदयू जितनी मर्जी दावे करे, मगर इस बार एनडीए को दो अंकों में भी सीट हासिल नहीं होगी। मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर सियासत हुई तेज। महागठबंधन दल में आए दिन मांझी और अन्य दलों के बीच में खींचतान का सिलसिला देखने को मिलता है। आए दिन मांझी महागठबंधन के सामने नई नई शर्तें और मांग रखते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठाई है, जिस पर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी की कोई शिकायत है तो उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दूर कर लिया जाए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि अपने 15 साल की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। आज हालात यह है कि देश में बेरोजगारी दर 7.5% तक पहुंच चुकी है। वहीं उच्च शिक्षकों में बेरोजगारी के आंकड़ों को देखें तो यह आंकड़ा 60% तक पहुंच चुका है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस 15 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारों का आंकड़ा देखने को मिला है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, न्यूजीलैंड की पिछे न्यूजीलैंड को ही मुश्किल में डालेगी। 1.5 महीने के न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय टीम का पलड़ा भारी बताते हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि न्यूजीलैंड की पिचों का व्यवहार काफी बदल गया है और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल इन पिचों पर भारत के पास वह क्षमता है जिससे वे मेजबान टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। तेंदुलकर ने 1990 से 2009 तक रिकॉर्ड 5 बार न्यूजीलैंड का दौरा किया है।
उन्होंने कहा है कि जब वह अपने पहले दौरे पर न्यूजीलैंड गए थे तो पिचों से तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती थी, जबकि 2009 में उनके आखिरी दौरे पर यहां रन बनाना काफी आसान हो गया था। साथ ही स्पिनरों को भी मदद मिलनी शुरू हो गई थी। एंड्रॉइड बीटा ऐप पर रोल आउट हो गया व्हाट्सएप का नया डार्क मोड फीचर। महीनों तक व्हाट्सएप के डार्क मोड के टेस्टिंग के बाद आखिरकार इसे सभी बीटा ऐप के एंड्रॉइड फोन में रोल आउट कर दिया गया है। इस एंड्रॉइड फोन में इसके सफलतापूर्वक रिलीज होने के बाद इसे जल्द ही सभी एंड्रॉइड फोन में रोल आउट कर दिया जाएगा। जिस भी यूजर्स का मोबाइल बीटा मोड पर है वो अब इस नए फीचर को इंस्टॉल कर अपने एंड्रॉइड फोन में रोल आउट कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर उनकी गर्लफ्रेंड ने जारी की तस्वीर। पटना के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। टीवी से लेकर फिल्मों की दुनिया तक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी प्रतिभा और अभिनय का प्रमाण दिया है। इसी क्रम में कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत के लव अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारे में सुनाई दे रही थी, जिसकी पुष्टि हाल ही में उनके जन्मदिन पर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा शेयर की गई तस्वीर को देखने के बाद हुई है, जिसमें रिया ने अपने और सुशांत के वेकेशन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें नीचे उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल दैट इज नोन टू द मैनकाइंड, शाइन ऑन यू डायमंड। तेज प्रताप यादव ने गढ़ा एक और नया नारा। इस चुनावी साल में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जुगत में हर कोई लगा हुआ है। इस चुनावी साल में एनडीए गठबंधन ने अपना नेतृत्व साफ कर दिया है। वहीं महागठबंधन दल में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस का सिलसिला जारी है। जहां एक ओर राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की पहल शुरू की है। इतना ही नहीं, इस बाबत उन्होंने अपना एक नया नारा गढ़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, लालू जी के सपनों का बिहार बनाने के लिए आइए एकजुट होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालों की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बोर्ड की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।